कितना जन ही चाहते हैं कि अपने घर को एक बहुत ही लग्जूरियस फील दे, उसको बहुत हाई एंडेड बनाए, जैसे कि हम सोशल मीडियाज पे देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कितनी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बहुत ही यू नो एस्थेटिक फीलिंग वाले घर होते हैं। लेकिन हम सब वो चीज ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हमें से बहुत जन रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बहुत जन ऑलरेडी उनके घर में फर्नीचर बन चुका है, तो अब वो उस चीज में ज्यादा रुपए और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम सिंपल से हैक्स को यूज करके अपने घर को बहुत ही लग्जूरियस लुक दे सकते हैं, उसको बहुत ही वेलकमिंग बना सकते हैं और बहुत ही एस्थेटिक बना सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फैमिली, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू योर चैनल टाइडी वर्क। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे फर्स्ट हमारी जो चीज आती है वो है स्मेल। जब भी हम कोई घर में एंटर होते हैं, आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि वहाँ की जो फ्रेग्रेंस होती है सबसे पहले हम उसे महसूस करते हैं, और वही अगर अच्छी ना हो तो ऑब्वियसली वो चीज हमें ज्यादा अपीलिंग नहीं लगेगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेंज इन योर हाउस इज द सेंस ऑफ स्मेल। यस, यूज द पोटपोरी, यूज द अरोमा डिफ्यूजर्स, यूज रूम फ्रेशनर्स, यूज नापतलीन वॉल्स, और जो इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स आते हैं वो यूज सेंटेड कैंडल्स। किट में हजारों तरह की वैरायटीज भरी पड़ी है, बस गो एंड ग्रैब समथिंग। बहुत ही अच्छा थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। जब भी कोई घर पे आए तो उसको आते ही एक बहुत ही सूथिंग सा स्मेल उसको मिले, ताकि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो वो आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा हो। जो फैब्रिक कंडीशनर होते हैं उनको जस्ट पानी में मिक्स करके वो आप स्प्रे कर सकते हैं अपने सारे सॉफ्ट फर्निशिंग पे। तो ढेरों ऑप्शंस है आपके पास अपने घर को एक अलग सा स्मेल देने। चलिए बढ़ते हैं हमारी जो सेकेंड चीज है वो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है अपने घर को एक लग्जूरियस फील देने का, या बोल सकते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव दिखाने का, तो वो है अपने वॉल्स का कलर। कलर बहुत हद तक नहीं, मैं बोल सकती हूँ 90% आपके घर का व्यू चेंज कर सकते हैं। आप देखते हैं अगर एक घर का कलर, एक घर के वॉल्स का कलर रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, मतलब डार्कर स्टोन में हो, और वहीं दूसरे तरफ अगर कोई घर का कलर न्यूट्रल टोन पैलेट में हो, जैसे न्यूड्स के कलर हो गए, व्हाइट के शेड्स हो गए, ग्रे के शेड्स हो गए, तो आप खुद नोट करेंगे कि जो घर डार्क शेड में है वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको एक नेगेटिव सी एनर्जी थ्रो करेगा। और वही जो कलर्स लाइट शेड्स में वॉल पेंटेड है वही आपको बहुत ही अमेजिंग सी यू नो वाइब्स देगा। मेरा घर जैसे कि पूरा व्हाइट है तो मुझे घर में रोशनी भी बहुत ज्यादा मिलती है, मुझे ज्यादा लाइटिंग की जरूरत नहीं होती, देखने में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, मेरा घर बड़ा दिखता है। तो आप भी ये चीजें कर सकते हैं। अगर आप भी अपने घर को हाई एंड दिखाना चाहते हैं, एक्सपेंसिव दिखाना चाहते हैं, तो अपने घर के वॉल्स है उनके कलर्स को चेंज करिए, लाइट शेड्स तक जाइए, ज्यादा तड़कीले, भड़कीले, अतरंगी कलर्स प्लीज अपने घरों के अंदर यूज ना करिए, वो बिल्कुल देखने में अच्छे नहीं लगते, बहुत ही चीप लगते हैं जब भी हम उनको देखते हैं। और घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी आप उन चीजों को चेंज करें, बाहर भी अपना घर के कलर्स को प्लीज थोड़ा न्यूट्रलाइज करें, थोड़ा सा लाइट शेड्स में रखें, ताकि आपका घर बहुत ही लग्जूरियस लगे और बहुत ही अच्छे। बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ, जो कि है कर्टेंस को लेकर। हमेशा कर्टेंस अपने घर में, अपनी विंडो में, चाहे आपका विंडो छोटा है, हमेशा ट्राई करें लॉन्ग कर्टेंस ही लेके आए। विंडो साइज कर्टेन कभी मत परचेज करें। लॉन्ग साइज कर्टेन यूज करने से क्या होता है, एक तो आपका रूम बहुत लंबा दिखता है। अगर कोई रूम छोटा है तो उसको लंबा दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने रूम में जो लंबे वाले कर्टेन आते हैं, जो 9 फीट से कर्टेन आते हैं, ट्राई करें सीलिंग से लेकर फ्लोर तक उस कर्टेन को लगाएं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो रूम है ना वो अचानक से बड़ा दिखने लग जाएगा और बहुत ही लग्जूरियस लगता है। चलिए जंप करते हैं अपनी जो फोर्थ पॉइंट है उसके ऊपर। घर में हमेशा जो भी अप्लायंसेस है उनको कवर करके रखिए। लाइक मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो रेड कलर का है, इस पे कोई भी कवर नहीं लगाती हूँ, तो ये बहुत ही यू नो अजीब सा इफेक्ट देता है मेरे घर में। लेकिन वही अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक कवर लगा देती हूँ तो आप देखेंगे कि इंस्टेंटली वहां का जो लुक है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। आप भी ऐसा करें, बट हाँ याद रखें, यहाँ पे भी मेरी चीज मैं साफ साफ शब्दों में बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी कवर लेके आ रहे हैं तो प्लीज 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 ट्राई करें उसकी जो आपका घर का जो कलर पैलेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो कवर्स है उसको परचेज करके लाएं,
क्योंकि बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है, बिखरा बिखरा नहीं लगता आपका घर एक चीज में बंधा हुआ लगता है, तो देखने वाले को बहुत ही विजुअली अपीलिंग लगता है। अगर आप अपनी जो घर के कवर्स और है, जो भी अप्लायंसेस के कवर है, चाहे वो फ्रिज का ऊपर का कवर हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो पूरा एक जैसा ही लेके आऊँ, ताकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। टिप की तरफ जो की है, आप कभी भी अगर शॉप से कोई चीज पैकेजिंग में परचेज करके लाते हैं, वेदर इट वॉज डिश वॉश, आपका शैम्पू हो गया, आपका लोशन हो गया, वट एवर इट वॉज, हैंड वॉश हो गया, जो भी है उसका पैकेजिंग को चेंज करिए। ये हम वैसे की वैसी शॉप से लेके और पैकेजिंग रख देते हैं, तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगता। वहीं आप उनको क्लियर ग्लास जार्स या प्लास्टिक जार्स में अगर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इंस्टेंटली उस जगह का जो वाइब है ना, वो पूरा चेंज ही हो जाता है। जो भी आपकी क्लीनिंग सप्लाईज हो, ऑब्वियसली उनकी पैकेजिंग चेंज मत करिएगा, क्योंकि उनमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, हमें उसको कैसे कैसे यूज करना होता है, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक क्लियर जार्स में रखें, ताकि आपका घर बहुत ही लग्जूरियस। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू सॉफ्ट फर्निशिंग। जी हाँ, हमारे घर में हम ऑब्वियसली चीजों को चेंज नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े चीजें हैं, हमारा फर्नीचर का कलर है, हमारे बेड का कलर है, जो भी एक्स वाई जेड, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट ट्राई करें कि आपका जो सॉफ्ट फर्निशिंग है, आपकी बेडशीट्स हो गए, आपके कर्टन्स हो गए, आपके कुशन कवर्स हो गए, जो भी हो गए, उनका जो भी आप कलर चूज करें, वो भी अपने घर के जो थीम है, घर का जो कलर पैलेट है, उसके अकॉर्डिंग ही चूज करें। डार्कर शेड्स में मत जाइएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप अपने घर को थोड़ा मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, थोड़ा लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं, तो प्लीज डार्कर शेड्स के साथ बिल्कुल 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 बिग नो फ्रॉम माय साइड। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और हाँ, मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जितनी भी सारी चीजें बता रही हूँ, वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल चॉइस है, मैं बस आपके साथ अपनी जो थिंकिंग है उसको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते वापस टॉपिक की तरफ। जी हाँ, सॉफ्ट फर्निशिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो सॉफ्ट फर्निशिंग हमेशा आपकी बेडशीट्स हो गई। आप हमेशा नोट कर लीजिएगा, आप जब भी अपने रूम में डार्कर कलर की बेडशीट्स लगाएं, और उसके कॉन्ट्ररी में आप अगर लाइट शेड्स की बेडशीट लगाएंगे, तो आप खुद नोट करेंगे कि आपका रूम का जो लुक है ना, वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ फटाफट, जो कि है टॉवल्स को लेकर। जी हाँ, टॉवल्स बहुत छोटी सी चीज है ना सुनने में, टॉवल क्या, हैंड टॉवल बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आपके घर में। एक तरफ मैंने लगाया है यहाँ पे अपनी जो वॉश बेसिन के ऊपर डार्कर शेड का टॉवल, और वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं लाइट शेड का टॉवल लगा दूं, तो आप खुद नोट करेंगे कि कितना डिफरेंस लगेगा। वो जो डार्क शेड का टॉवल है, वो सारा फोकस अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है, और जो पूरा जो पिक्चर फ्रेम है कोई जगह का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं निकल के आता। वहीं अगर हम लाइट शेड का दिखाते हैं, अगर लाइट शेड की चीज लगा रहे हैं, जैसे लाइट शेड का मैंने न्यूट्रल पैलेट का अगर कोई टॉवल लगाया है, तो वो एक पूरा पिक्चर फ्रेम बहुत ही सुंदर सा निकल के आता है। अगर कोई चीज को देखेगा, तो उसका पूरा जो फोकस है ना, वो एक चीज पे ना जाके पूरी उस पिक्चर फ्रेम पे जाएगा, जो कि दिखने में बहुत ही यूजुअली अपीलिंग लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जल्दी वीडियो को एंड करते हैं, जो कि है मेरा पर्सनल फेवरेट, हमारे प्यारे प्लांट्स। जी हाँ, प्लांट्स के बिना एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट। आप देख सकते हैं, कोई भी जगह अगर हम लोग पूरा ब्लैंक वॉल है, अगर हम एक प्लांट भी वहां पे ले जाके रख देते हैं ना, वो इतना प्यारा, कोई भी कोने को आपको थोड़ा सा भी चेंज करना है, या उसको और सुंदर वेलकमिंग बनाना है, सूटिंग बनाना है, लग्जूरियस लुक देना है, तो अपने घर में इंडोर प्लांट्स का जरूर यूज करें। अगर आप नेचुरल प्लांट्स नहीं केयर कर सकते, नहीं यूज कर सकते, ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते, तो ऑब्वियसली गो विद द आर्टिफिशियल वंस। बहुत सारी वाइड वेराइटी में ये आजकल मार्केट में अवेलेबल है, कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। अदरवाइज आप आर्टिफिशियल वंस के साथ जा सकते हैं, वो भी आपके घर को इंस्टेंटली बिल्कुल एकदम चेंज कर देता है। बस यही था मेरा आज का वीडियो, होप सो आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी टिप अच्छी लगी है, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आपके पास कोई क्विक टिप्स है, जो कि आपके घर को इंस्टेंटली एक्सपेंसिव लुक दे सकता है, तो प्लीज कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी नोट के साथ अपने वीडियो को एंड करती हूँ। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड बी अ टाइडी बग। बाय।